सर जो ये कुंदनदास बाबा का मंदिर बना हुआ है, तो बाबा के बारे में आप उसकी महिमा के बारे में बता सकते हो? बाबा कुंदनदास ग्राम श्याली कलां तहसील मुंडावर जिला अलवर के में जन्म हुआ। ग्राम श्याली कलां में ये पांच भाई थे और बाबा कुंदनदास बड़े बहुत ही लंबे तगड़े और डील डोल शरीर के थे। इनका खान पीन 5 किलो आटे का बताते हैं, मैंने बुजुर्गों से ऐसा सुना है। इनका खाना पूरा नहीं होता था तो ये भोजन इनको पूर्ण रूप से नहीं मिलने पाने से ये नरसिंहदास के स्थान पर कांटी में चले गए और कांटी में रह करके नरसिंहदास की गायें चराते थे और वहाँ भरपेट इनको भोजन मिलता था। महाराज जी एक दिन गायों को 3 बजे वापस ले आए। नरसिंहदास जी महाराज तख्त पर बैठे थे, उन्होंने पूछा कि आप इतनी जल्दी गायों को क्यों ले आए? तो बाबा कुंदनदास ने कहा, महाराज मुझे भूख लग गई इतनी तब में ले आया। महाराज जी नरसिंहदास जी फिर भी शांत रह गए। नरसिंहदास जी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि मैंने इतना खिला के भेजा, इतना इसको बांध के दिया साथ में और फिर भी ये मतलब 3 बजे गायों को वापस ले आए और भूखे पेट बता रहे हैं। बोला, ठीक है तो तुम इन गायों को बांध दो और फिर भोजन कर लो। महाराज जी बाबा कुंदनदास कहने लगे कि गायें तब बांधूंगा, पहले बाबा रोटी खाऊंगा, मुझे भूख ज़ोर से लगी है। महाराज जी नरसिंहदास जी को न जाने किस प्रकार से कोई एक क्रोध की झलक आई और बाबा कुंदनदास के एक सोट लिया और कहा कि जा आज के बाद तुझे भूख लगेगी नहीं। बाबा उस दिन से अन्न छोड़ दिया और सिर्फ दूध पीते थे और दारू पीते थे। बाबा के जो भोग लगता है दारू का भोग लगता है। बाबा जी अन्न नहीं खाते थे, दारू पीते थे? जी हाँ, दारू भी गिलास में डाल करके नहीं। हमारे गांव के देखने वाले बुजुर्ग ये बताते हैं, बाबा तो घड़े के ओक लगा करके पीते थे, थोड़ी दारू नहीं पीते थे, अन्न कभी खाया नहीं बाबा ने 65 साल की उम्र तक। आपका कहने का तात्पर्य ये है कम से कम 4-5 लीटर दारू पीते थे बाबा? ऐसा जैसा मैंने सुना है। हाँ जी, और बाबा पंच धूनी के बीच तपा करते थे। हर जेठ महीने में चारों तरफ 5 धूनी लगा करके प्रथम दिन 21-21 उपले कंडे 21-21 पांचों धूनियों पे चढ़ते थे। अगले दिन 22-22 इस प्रकार हर दिन बढ़ाया जाता था। 1.25 महीने की तपस्या करते थे पांचों धूनियों की। जब लास्ट में पांचों धूनियों के 62-62 63-63 कंडे हो जाते थे और उनकी लो एक जगह मिल जाती थी, उस पच धूनी के बीच बाबा तपा करते थे। एक दिन नरसिंह रूढ़दास एक मास्टर जी थे भिगावली के रहने वाले, जो ये परिवार बाबा कुंदनदास के स्थान पर रह रहा है, वो बाबा के विशेष भगत थे और बाबा उनके गांव में ये तपस्या कर रहे थे। बाबा ने पांचों धूनियों की अग्नि एक हो रही थी उस दिन, उस मास्टर जी से कहा, मास्टर जी मुझे पानी पिलाओ। मास्टर जी एक बार तो झिझक के, मैं इस अग्नि में कैसे जाऊंगा, लेकिन मास्टर जी दिल करके उस अग्नि में कूद गए और मास्टर जी ने अंदर देखा कि वहाँ तो बर्फ़ की तरह ठंडा था। मास्टर जी अपने घर नहीं गए, उसके बाद यहीं चले आए। उनके मैसेज वगैरह बाद में उनके पीछे पीछे आए यार रिश्तेदारों ने कहा, महाराज हमारे को बहका लाए ये लाए, लेकिन वो नहीं गए। वो मास्टर जी हमेशा यहीं रहे और यहीं तपस्या। सर वो बताते हैं जो इनकी घोड़ी है वो भी दारू पीती थी? नहीं, घोड़ी तो दारू नहीं पीती थी, लेकिन घोड़ी अपने आप काली घोड़ी थी उनकी। अभी हमारे हमने भी देखी उसको, घोड़ी उनकी इतनी ज़ोर से दौड़ती थी कभी कभी, जब जैसे तो लोग बाग ये कहते थे हमारे बुजुर्ग लोग कि बबा इसके ऊपर अब सवारी कर रहे हैं, वो 3-4 गांवों में जब तक चक्कर नहीं लगा लेती इधर, तो बहुत स्पीड से दौड़ती हुई। तो इससे बाबा घोड़ी रखते थे और घोड़ी के ऊपर देह छोड़ने के बाद भी उसके ऊपर सवारी किया करते थे। जो भी आते भक्त जन यहाँ दारू की बोतली लेकर आते हैं तो इसका क्या तात्पर्य? बाबा खुद दारू का जब भोग लेते थे सबने देखा, और सबसे जब बुजुर्ग ये बताते हैं कि उनको जब किसी के मनोकामना पूर्ण करनी होती थी तो वो दारू के लिए कहते थे कि बोतल लाओ तुम्हारा मतलब बोतल लाओ नहीं बोतल चढ़ाओ और अपने मतलब बाबा की जो
बोतल चढ़ाने से बाबा के यहाँ दारू चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना का अब कैसे होती हैं ये तो आप दृष्टांत देख ही रहे हो। ये जितना ये भव्य मंदिर बना हुआ है, ये इतने आपको सारा सब कुछ साजो सामान दिखाई दे रहा है, इस सब से आप अंदाज़ा लगाओ मनोकामना पूर्ण करती है। तभी भीड़ से अंदाज़ा लगाओ कि मनोकामना पूर्ण बगैर कोई नहीं आता, और बाबा के दारू चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। ये ऐसा एक्सपीरियंस और हमारी भी ये मतलब ये हमारा भी एक्सपीरियंस है, जब भी बाबा के हमने प्रसाद बोला है हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। मेला मैन कब लगता है? बाबा का मेला जेठ महीने, उतरते जेठ महीने की पंचमी के दिन लगता है। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम परमात्मा का कैप्टन सत्यवीर सिंह, गांव श्याली कलां से। सर जो आपने हमें जानकारी दी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।